ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और डेटा सेंटर की लापरवाही की वजह से 85,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। बता दें कि डेटा सेंटर ने 20 लाख छात्रों का डेटा अपने पास रोक रखा है। ऐसे में स्नातक पार्ट 3 का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। वहीं इस मामले पर कुलपति ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब यह पूरा मामला अदालत में पहुंच गया है। अब ऐसे में हजारों छात्र परेशान हो रहे हैं और रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिजल्ट नहीं जारी होने के कारण तकरीबन 1,00,000 छात्रों का भविष्य अंधकार में है। रिजल्ट नहीं जारी होने से परेशान छात्र ललित नारायण मिथिला विवि के परिसर में कॉपी कलम की जगह बैनर पोस्टर लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने मेहनत कर तृतीय पार्ट फाइनल ईयर का परीक्षा पास किया है, अब रिजल्ट में देरी उनके आगे की करियर को प्रभावित कर रहा है। बता दें कि कई छात्रों का चयन बिहार से बाहर दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए भी हो गया है, लेकिन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं जारी होने के कारण छात्र नामांकन नहीं ले पा रहे हैं। वहीं इस मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामला अदालत में होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए एक निजी कंपनी के साथ 2016 में अनुबंध किया था। इसके अनुसार छात्रों को सभी तरह के फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट प्रकाशन करने का काम ऑनलाइन निजी कंपनी के हाथ में था। इसी बीच विश्वविद्यालय ने यह अनुबंध अब पहले से काम कर रहे कंपनी को छोड़ दूसरी कंपनी को सौंप दिया। ऐसे में पहली कंपनी विश्वविद्यालय के इस फैसले के खिलाफ न सिर्फ अदालत में चली गई, बल्कि छात्रों के सभी प्रकार के डाटा को देने से भी इनकार कर दिया। यही कारण है कि छात्रों के कॉपी मूल्यांकन के बाद भी विश्वविद्यालय और डाटा सेंटर की इस लड़ाई में रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पहले से काम करने वाली कंपनी विश्वविद्यालय को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। उनका अनुबंध खत्म होने से पहले रिजल्ट प्रकाशन की बात कही गई थी, लेकिन उस कंपनी ने रिजल्ट प्रकाशन नहीं किया और मामले को अदालत में लेकर चली गई। वहीं कंपनी के पास करीब 20 लाख छात्रों का डेटा है जिसे अब तक नहीं दिया गया है। बंदी नहीं कर रहे, हम समस्या का समाधान मांग रहे हैं। 85,000 छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ, हजारों पीजी के ऐसे छात्र हैं जिनका सेशन आगे जा रहा है, एग्जाम लेट हो रहा है, फॉर्म लेट से भरा रहा है, फॉर्म नहीं भराया जा रहा है। इन्हीं छात्रों की समस्या को लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं और पिछले 2 महीना से हम लोग परेशान है, दर दर की भटक रहे हैं। 4 छात्र पिछले 3 दिन से विश्वविद्यालय में बैठे हुए थे जिनका समस्या का समाधान नहीं सुना जा रहा। आज इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर आए और बिना एप्लीकेशन दिए हुए आए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय प्रशासन जब बिना बताए हुए 85,000 छात्रों का रिजल्ट रोक सकता है तो छात्र इनसे क्यों सवाल पूछेंगे, क्यों इनसे ऑर्डर लेंगे कि हम आए कि नहीं आए, आंदोलन करें कि नहीं करें। इससे पहले एक छात्र संगठन था जो आंदोलन किया था, उस दिन सारे के सारे पदाधिकारी भाग गए, एक भी पदाधिकारी विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं थे। ये क्या चाहते हैं कि हम इनको एप्लीकेशन दें और ये अगला दिन गायब रहे, ये चीज के लिए हम लोग नहीं आए। और हम आप मीडिया बंधु के माध्यम से बता देना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन को, कुलपति को, कि हम लोग आज ऐसे ऐसे ही बैठने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 4 दिन 5 दिन के लिए आंदोलन के लिए तैयारी करके आए हैं और जरूरत पड़ेगा तो हम 4 दिन 5 दिन बैठने के लिए तैयार हैं। साथ ही अगर प्रशासन चाहेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन, कि हमें उठाकर यहाँ से कहीं ले जाया जाए तो हमको जेल में डाल दे, जब तक हम लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। अंतिम उपाय है कि हमको उठा के जेल में डाल दे।